स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 के जो बचे हुए चार क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिवाइडेंड इफ़ क्वेश्चन इक्वल्स टू 245, रिमाइंडर इक्वल्स टू 40 एंड डिवाइजर इक्वल्स टू 31। मतलब यहाँ पे आपको डिवाइडेंड फाइंड आउट करना है। तो डिवाइडेंड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब आप डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप रिमाइंडर से ऐड करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपका डिवाइडेंड आपको मिल जाएगा। चलिए, तो डिवाइजर कितना था हमारा, 31 था। देन आपका कोशेंट कितना था, 245 प्लस रिमाइंडर कितना है, 14। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका, और फिर जो मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा उसे 14 से ऐड कर देंगे। तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से, तो 1 5 जा 5, 1 का 4 से, 1 4 जा 4 एंड 1 2 जा 2। क्रॉस लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ऐड करेंगे, 5 5 4 9 3 2 5 एंड 7 7595 आया, और प्लस रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर है हमारा 12। तो 7595 प्लस 14, ओके 14 था हमारा, यस। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, सो 5 प्लस 4 9 9 प्लस 1 10 कैरी 1 एंड 5 प्लस 1 6 एंड 7, ये हो गया हमारा आंसर। बस इसी तरह से आपको डिवाइडेंड निकालने के लिए डिवाइजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करना है एंड रिमाइंडर को कर देना है ऐड, जिससे आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यही होगा आपका डिवाइडेंड 7609। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, देयर आर 27 सेक्शन इन आ स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 1485, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन इज इक्वल, फाइंड द नंबर ऑफ सेक्शन इन स्टूडेंट इन ईच सेक्शन। स्कूल में 27 सेक्शन हैं और टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं 1485। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे अगर सारे सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका आंसर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। सो आपको क्या करना है, कितने सेक्शन है, टोटल है 27 सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 27 सेक्शंस कितने हैं, 27 सेक्शन में स्टूडेंट 1485। अब आपको ज़्यादा दिया है, अब क्या करना है, आपको एक का निकालना है, ज़्यादा दिया है, एक का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 27 सेक्शन का आपको दिया हुआ है, अब आपको एक सेक्शन का निकालना है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन, तो क्या करेंगे इसका, हम डिवाइड कर देंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे, कितना है 1485 डिवाइडेड बाय 27, बस इसे डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है, 16275 प्लांट्स आर अरेंज्ड इन 31 रोज, हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन ईच रो। तो इसे भी आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स की ही तरह सॉल्व करना है, कितने प्लांट्स दिए हुए हैं, 16275 प्लांट्स दिए हुए हैं और उनको बताया गया कि वो 31 रोज में अरेंज है, ऐसे ऐसे करके 31 रोज में अरेंज है। तो आपको बताना है कि इस एक रो में कितने प्लांट्स हैं, इस एक रो में कितने प्लांट्स हैं। सो नंबर ऑफ प्लांट्स अरेंज इन 31 रोज कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इन
31 रोज़, ओके कितने हैं 16,275। देन आपको वन रो का निकालना है कि वन प्लांट्स में, वन रो में कितने हैं, देन नंबर ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इन वन रो, वन रो क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है 16,275 डिवाइडेड बाय 31, डिवाइड करिए और आंसर आपको मिल जाएगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ओके हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 3,825 बुक्स, इतनी बुक्स रखने के लिए हमें कितनी सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके इफ ई सेल्फ कंटेन 45 बुक्स, अगर मान लीजिए एक सेल्फ में 45 बुक्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सेल्फ्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो एक में 45 है तो इतनी बुक्स किस में कितने में आएंगी, तो चलिए इसे भी डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ सेल्फ्स नीडेड, कितने सेल्फ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्या करना है आपको, करना है टोटल बुक्स डिवाइड करना है, फॉर्मूला लगाना है, टोटल बुक्स को आप डिवाइड कर दीजिए बुक्स इन वन सेल्फ से, बुक्स इन वन सेल्फ। तो टोटल बुक हमारे पास कितनी थी, टोटल बुक थी हमारे पास 3,825 एंड आपकी बुक एक सेल्फ में कितनी बुक्स थी 45, इन दोनों का आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आंसर मिल जाएगा। ओके होप कि क्लियर हो गया होगा, चलिए यही क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन यही आपको सॉल्व करने हैं, दैट्स